जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी के रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हो, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ CISF SCM 2019 के एग्ज़ाम अपडेट के बारे में कि कब उसका एग्ज़ाम होना है और क्या उसमें प्रोसेस अभी चल रही है। तो इससे जो भी पूरी डिटेल है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, स्किप ना करें और शेयर भी करें दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, अभी न्यूज़ आई थी CISF जो SCM 2019 का जो एग्ज़ाम है भाई, काफ़ी समय हो चुका है इन भर्तियों को भाई, 4 साल आज देखने को मिल रहे हैं आपको, 4 साल हो गए हैं और अभी तक ये कंडक्ट नहीं हो पाया है। और CISF बार बार कुछ ना कुछ नोटिस निकाल के या कैसे भी करके वो अपना पोस्टपोन कर देती है। तो आज मैं देखने में आ रहा है कम से कम 2-3 बार उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये रीज़न भी काफ़ी पता नहीं क्या क्या रहे हैं, बहुत रहे हैं, मैं बता देता हूँ। तो पहले क्या रीज़न चल रहा था, पहले एक बार सब बोर्ड वगैरह बन गया था, ठीक है, फिर उसके बाद सारा चीज़ डिटेलमेंट हो गया था। तो 3,03,000 टोटल जो बच्चे हैं वो है आपके 3,03,000, ठीक है दोस्तों, इतने बच्चे हैं। तो सारा चीज़ उन्होंने मतलब वो सेटिस्फाइड हो गए थे और सारा सेंटर वगैरह पहले कर दिया था जो फर्स्ट में, उसके बाद फिर नहीं हुआ, ठीक है, फिर पोस्टपोन कर दिया क्वेश्चन के बाद। उसके बाद सेकंड टाइम हुआ, फिर भी ऐसा ही हो गया। सेकंड टाइम में क्या हुआ भाई, बता दिया कि भाई जो हमारा जो LDC का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, तो इसलिए ये एग्ज़ाम नहीं होगा। मार्च में इसकी जो न्यूज़ थी आई थी कि भाई मार्च में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ, ठीक है। बस ये है CISF जो SCM वाले हैं या जो CISF फायरमैन वाले, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड है CISF वाले, क्या करते हैं फिजिकल पहले ले लेते हैं, बाकी जो और जो प्रक्रिया है ना उन पे उनका ध्यान नहीं रहता है दोस्तों, बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद वो करते हैं। और अभी तक 2019 वाली वैकेंसी उन्होंने क्लियर नहीं किया, देख सकते हो आप कितना समय उनको लगा रहे हैं। तो दूसरा इन्होंने LDC वाला दे दिया था रीज़न, और अब जो थर्ड वाला जो रीज़न दे दिया है, अब उसमें जो भी है एक बार बजट से रिलेटेड बताया था, अभी बजट वगैरह नहीं है इस वजह से अभी नहीं होगा, ये है जो है। अब तो देखो बजट भी आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, अब देखते क्या होता है। और फिर ये तो थर्ड जो बताया था इन्होंने, थर्ड में क्या है दोस्तों, जो ये पेटिशन लगी है, ठीक है, पेटिशन जो बच्चों ने लगाई है वो लगाई है नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। और जो एग्जाम कंडक्ट होगा आपका, तो होना था एग्जाम जो आपका कंडक्ट होना था वो 10 से 15 जून में कंडक्ट होना था। तो मतलब ये जो भी चल रहा था वो ऑफिशियल चल रहा था, ऑफिशियल मतलब प्रपोजल वो डाल रहे थे, जो भी है बोर्ड प्रोसीडिंग वगैरह वो प्रिपेयर करके अपना बना रहे थे कि भाई आप अपना ऐसे ऐसे ये इतना इतना मतलब ऐसे एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे, जो 3,03,000 जो बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा और आप ऐसे ऐसे इसको जस्टिफाई कर दीजिए आगे, जो अंदर का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, क्योंकि देखो फाइल्स वगैरह हैं वो भी पुटअप होती हैं, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो इंटरनली होता है, और इंटरनल जो चीज़ें हैं वो कभी भी आपको साइट्स पे नहीं मिलेंगी। अब देखो बहुत बच्चे मतलब कह रहे थे कि सर आप हमें ये बताइए, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बताइए हमें कि जो ये है, जो भी कोई नोटिस है, जो मतलब नोटिफिकेशन मतलब जो चल रहे थे, जो भी नोटिफिकेशन थी मतलब जो जो पेजेस थे, जो भी फैक्स मैसेज थे या जो भी थे लेटर थे, वो अपना ये साइट्स पे क्यों नहीं डाल रहे हैं, मतलब वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल रहे हैं भाई, आप ये बताओ। वो नॉर्मल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो सारे वेबसाइट पे नहीं डाले जाते, जब तक वो अप्रूव नहीं होता, कोई भी चीज़ है जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक वो नोटिस नहीं डाला जाता, ठीक है दोस्तों। पहले उसके लिए क्या है अप्रूवल कराना पड़ता है, ठीक है, अभी वो प्रपोजल जो चला हुआ था, ठीक है, अब वो कंफर्मेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है,
बाकी जो भी है पहले मतलब ये कंफर्मेशन मतलब चीज़ों का होता, जब तक लास्ट तक इनका कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक कि कोई नोटिस वगैरह नहीं रहता। तो अंदर में देखिए आपका लेटर वगैरह है, फैक्स वगैरह जो अंदर है, इंटरनली वो चलता रहता है, ठीक है, और जो भी है वो इन्फॉर्मेशन इसी आधार पर देते हैं। बट आजकल इसके लिए सख्ताई कर दी है शहज वालों ने भी कि भाई ऐसे ऐसे जो मतलब नोटिस है, जो इंटरनली जो नोटिस है वो आप इधर उधर मतलब क्यों भेजते हो। तो इसमें क्या है कि दोस्तों फिर एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि फिर उन पे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने की आशंका होती है, ठीक है। तो इसलिए था ये बिल नहीं हो पाया। अब क्या है, अब चांसेस तो दोस्तों है नहीं, 10 से 15 जून के बीच में एग्जाम होने का चांसेस तो नहीं है। पेटिशन भी लगा हुआ है नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए जिसने भैया पेटिशन लगाया है ना, वो ठीक लगाया है दोस्तों। आपको लग रहा है कि भैया वो सबसे बढ़िया लगाया है, ये तो उन्हें पहले लगा देना चाहिए था ये चीजें, ठीक है, ये चीजें पहले लगाने देनी चाहिए थी। बाकी अब ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो होगा, ठीक है, और इसमें फिर क्या है, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन कंडक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम भी आपको ऑनलाइन कंडक्ट होना है। नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो एग्जाम भी कंडक्ट मतलब होना, ठीक है दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और अभी तक कोई भर्ती का रुकवाने का कोई मैसेज नहीं आया है उनके पास, जो भी है वो मतलब चल रहा है, जिसने भी वो पेटिशन डाली है, रुकवाने का कोई मैसेज नहीं आया है। बाकी अगर जैसे कोई स्टे वगैरह लगेगा तो वो अपना जो भी है, अगर इसमें कमी है नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये एग्जाम भी कराएंगे तो फिर ये जो है ऑनलाइन होगा, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है। वैसे ऑनलाइन वाले में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इसको क्या है दोस्तों, ये TCS वगैरह को जो भी है हमारी जो NTA जो टेस्टिंग एजेंसी है उनको ये कंडक्ट कराने के लिए दे देंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जल्दी ही हो जाएगा। फिर आपका जो एग्जाम कंडक्ट है ना वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक बार एग्जाम सेंटर मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। अब ये जो है क्या है कि TCS वाले ना वो अपना कोई भी देखेंगे और अपना भैया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो कर देंगे, ठीक है, जो भी एजेंसी इसकी, तो इससे अच्छा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन भी फिर आपका जल्दी हो जाएगा और ऑनलाइन आपका ये एग्जाम कंडक्ट होना है। अब बात आती है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा पर किस लेवल का होगा, ठीक है दोस्तों, भाई इतना सिंपल नहीं आना है एग्जाम अब आजकल पहले जैसे नहीं रहे। CISF का एग्जाम तो बहुत ही सिंपल आता था, CISF मिनिस्ट्रियल का स्टाफ तो बहुत ही, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो एग्जाम था बहुत ही सिंपल आता था, हमने भी क्लियर किया है, हम भी मतलब आगे गए हैं, तो एक बार हम टाइपिंग में निकले थे उसमें CISF में, उस टाइम पे हमारी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से फिर अब SSB ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अब जो एग्जाम जो हो सकता है वो CRPF जो SCM है उसके लेवल का देखना, वैसे उस लेवल का नहीं आएगा, उससे थोड़ा लेवल कम ही आएगा, बट फिर भी एक लेवल देख लेना, जैसे CRPF SCM का हो गया, BSF SCM का होगा, ठीक है, जो भी SCM से रिलेटेड हुआ है ना, जो भी ITBP से रिलेटेड हो गया, जो भी इसमें SCM से रिलेटेड है उनका मतलब एक तरह से देख लेना भाई किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसी टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बाकी जैसे CRPF का है, CRPF SCM का अगर पूरा सेट है ना जो आपका, जो पेपर सेट आए हुए हैं, अगर उनको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका कन्फर्म है दोस्तों, ठीक है, पेपर सेट जो भी है, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन है वो टेलीग्राम में डाल, टेलीग्राम मोड पर डालूंगा, ठीक है, चैनल मेरा कौन सा है, तो CRPF की जो भी जितनी भी मतलब जो जितने भी एग्जाम हुए थे वो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, जितने भी एग्जाम हुए उसका पूरा पेपर सेट, जो पूरे पेपर सेट है, जितने भी पेपर सेट हुए थे जो 22 मार्च से 11 जुलाई तक जितने भी हुए थे, उन सारों को मैं इसमें CRPF SCM वाले का जो है ये सारा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है, देख लेना, ध्यान देना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे CRPF SCM का मैं सारा जो पेपर हुए थे जो भी वो मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ से आप प्रिपरेशन करना आप उन्हीं को ही कर लेना ढंग से, मॉक टेस्ट वगैरह एक तरह से वो ही लगा लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए, बहुत ही बेस्ट मटेरियल अच्छा है उसमें, मैंने भी देखे हैं, बाकी अच्छा आया था पेपर, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, और आजकल हो सकता है कैलकुलेटिव हो सकता है, पहले तो इसमें 2 घंटे का टाइम था CISF में, तो ही आवर्स का देंगे अभी तो जो भी है, और जो ये CRPF SCM तो कम ही देती है, डेढ़ आवर्स देती है, ठीक है, 1.5 आवर्स देती है, ठीक है दोस्तों,
अब बात आती है भाई, इसका एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है? ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कब हो सकता है? तो चांसेस यही लग रहे हैं कि अगर जैसे देखा जाए, जून है अभी, अगर प्रोसेस ना हो तो जुलाई में आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2019 में। और जितने और ये हो जाए तो बढ़िया ही है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जल्दी फिर से 2022 के भी आपके कंडक्ट हो जाएंगे, और भी जो वैकेंसीज रुकी हुई हैं उनसे रिलेटेड भी आपका मैटर हो जाएगा। तो जुलाई में अब चांसेस हैं। ठीक है, जुलाई अगर जो भी लगेगा, जुलाई लगेगा, क्योंकि अगर TCS के हाथ में इन्होंने दे दिया तो TCS तो भाई जल्दी कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि TCS क्या होता है अपना, और फिर एग्जाम का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी मतलब वो दिखा देती हैं। फिर आपका आंसर की भी आ जाएगा फटाक से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर में अगर जैसे फीड हो जाता है सारी चीज़ें, कंप्यूटराइज जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसका रिजल्ट निकालना बहुत ही आसान होता है, 2-3 दिन में रिजल्ट निकाल सकते हैं बंदे। ठीक है, CRPF का भी इसलिए आपका निकला पड़ा है पर वो आपका एग्जाम का रिजल्ट दे नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, वो भी अपना देख रहे होंगे भाई क्या प्रोसीजर, मतलब कुछ आगे का क्या क्या है, SSC वगैरह की वीडियो वैकेंसी चली हुई है उनसे लेकर। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में शायद कंडक्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 2019 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करना, और वीडियो का पूरा देखा करो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी वही है, वॉचिंग ओवर कंप्लीट करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करना जिससे आगे तक ये सारी बातें मतलब पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और स्टडी से रिलेटेड भी मैं कंटेंट लाऊंगा अभी, जैसे जैसे फॉलोअर थोड़े बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे मैं कंटेंट आपके लिए स्टडी से रिलेटेड अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय।